हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाएंगे, एक कलर की लेडीज़ कार्डिगन बच्चों के स्वेटर के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, मैंने इस तरह की बॉर्डर इसमें बनाई हुई है। इस बॉर्डर का वीडियो मैंने अपलोड किया है, शॉर्ट्स में भी अपलोड किया है, तो आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। 6 रो की डिज़ाइन है और 6 रो ही आपको बार बार रिपीट करना है। तो चलिए देखते हैं। पहली सिलाई, आपको सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है, ठीक है? तो हम सारे फंदों को पहले सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए, ये हमने फर्स्ट रो बना ली। अब सेकेंड रो आपके रॉन्ग साइड से है, सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है, ठीक है? तो हम सारे फंदों को बुन लेते हैं। ये देखिए, दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसके लिए कितने फंदे चाहिए। इसके लिए आपको 10 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा, 10-10 के हिसाब से फंदे लेने हैं और 3 फंदे आपको एक्स्ट्रा लेने हैं, ठीक है? तीसरी सिलाई, फिर आपको सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। राइट साइड से है तो हम सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए, हमने 3 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली। अब चौथी सिलाई में देखिए, पहले हम 3 फंदों को बुन लेंगे, 1, 2, 3, ठीक है? 3 फंदों को हमने बुन लिया। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न यहीं से स्टार्ट है, 3 हम बुनेंगे। अब 7 फंदों को आपको लपेट कर बनाना। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है? ये देखिए, ये हमने 7 फंदों को लपेट कर बुना। फिर यही रिपीट करेंगे, 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 3 फंदे बुने। अब फिर 7 फंदों को लपेटेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 हो गया। फिर देखिए, 1, 2, 3, 3 फंदे। फिर वापस से 7 फंदे लपेटेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 फंदे हो गए। अब ये 3 फंदे लास्ट में, इनको हम सीधा बुन लेंगे, उल्टा बुनेंगे, सॉरी, रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से हमारी डिजाइन स्टार्ट हुई। 4th रो है। अब 5th रो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 5th रो, 3 फंदे तो आपको सीधे बुनने हैं। देखिए, 1, 2 और ये 3, 3 फंदे बुने। अभी 7ों को खोलेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए, ये हमने 7 फंदे खोले। अब इनको हम इस तरह से इसमें ले लेंगे। अब देखिए, 1, 2, 3, 4, इन 4ों को हम ऐसे लेंगे और इसमें आपको ऐसे डाल देना है, ठीक है? देखिए, इन 4ों को हम ऐसे डाल देंगे। अब ये 7ों फंदे आपको लेने हैं, ठीक है? ये देखिए, 7ों, और 7ों को पीछे की तरफ से 7 फंदे बनाना है। देखिए, ये 1, फिर उन आगे 2, ये 3, फिर 4, देखिए 5, फिर उन आगे 6 और फिर एक और बार 7। ये लूज रखना है थोड़ा। ये देखिए, ये हमने 7 में से 7 फंदे बना लिए, ये देखिए, ठीक है? फिर वापस से ये 3 फंदे बुनेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 3 फंदे बुने। और फिर आपको ये 7 फंदे खोलने। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? अब इन 7ों को आपको फिर से सिलाई में ले लेना है, ठीक? अब देखिए, 1, 2, 3 और ये 4, ये 4ों को हम ऐसे लेंगे और फिर इधर से हम इसे वापस से सिलाई में इंसर्ट कर देंगे। देखिए, इस तरह से, ठीक है? ये किया। अब देखिए, ध्यान रखना है कि हमारे धागे फटे ना। मेरा धागा फट गया था। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, अब से लेंगे, इन 4ों को लेंगे और इसमें से हम ऐसे कर लेंगे। अब ये 4 और ये 3, 7, देखिए 7, ये 7 फंदों को हम एक साथ लेंगे और 7 में 7 बनाएंगे। 1, 2,
4, 5, 6 और 6 के बाद 7। ये देखिए 7 बनाए, फिर 3 फंदा बनेंगे, 1 2 3, 3 फंदा बुना। और फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 फंदे लिए। इन 7ों को हम ऐसे रखेंगे, 1 2 3 4, इन 4ों को हम ऐसे लेंगे और इन 4ों को फिर से वापस से हम इसमें करके, अब देखिए 7ों में से 7 फंदे बनाएंगे। देखिए बैक लूप से, देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 हो गया। अब ये 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए हमने बुन लिए, अब हम 6 रो पे, लास्ट रो पे सारे फंदों को आपको सीधा बुनना, रॉन्ग साइड है फिर भी हम सीधा बुनेंगे, ठीक है। ये हमारी लास्ट रो है, ये देखिए इस तरह से आपको देखिए, ठीक है। सारे फंदों को हम बुन लेंगे, तो इसको हम सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी 6 रोज कंप्लीट हो गए। फिर से 6 रो हम रो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो अब मैं थोड़ी सी डिज़ाइन, ये देखिए हमारी 6 रोज कंप्लीट हो गए। अब फिर यही 6 लाइनें आपको बनानी है, तो देखिए पहली रो स्टार्ट कर लेती हूँ मैं, इसके बाद फिर थोड़ा सा बना के बताऊँगी। देखिए पहली लाइन में आपको सीधा सीधा बुनना है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कौन सी 6 लाइनें बनानी है यहीं से, तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने 2 डिज़ाइन बनाई है, और देखिए इस तरह से ये लगता है बच्चों के स्वेटर में, बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसे मल्टी कलर में बना सकते हैं, कैसे, ये जो 2 लाइन है जो डिज़ाइन की, एक बैक साइड से फ्रंट साइड से, ये आप दूसरे कलर से बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 कलर अगर आप यहाँ पे अलग कलर यूज़ करेंगे तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, बना सकते हैं। वैसे एक कलर में देखिए बहुत प्रीटी लगती है, मैंने मल्टी कलर में बनाई, ये जो ऊन है ये मल्टी कलर ऊन है, देखिए इस तरह से लगता है। मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी, डिज़ाइन पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपकी डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।